मेरी ओर से और मेरे सारे एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स की तरफ से हमारे सारे एफटीडा के मेंबर्स को नमस्कार। पिछली बार की तरह सोचा आप लोगों के साथ फिर एक गुफ्तगू करूं और आप लोगों के साथ जो प्रोग्रेस है पिछले महीने भर का वो शेयर करूं। हमारी मीटिंग्स प्रोड्यूसर एसोसिएशंस के साथ चल रही हैं, फेडरेशन की। काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही है कि जब काम शुरू होगा तो किस तरीके से शुरू होगा, क्या क्या बंदिशें होंगी, कैसे प्लान किया जाएगा। तो वो जो एसओपी है वो उस पर वर्क उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक ट्रांसफर्स का सवाल है, मनी ट्रांसफ़र का सवाल है, वो काम चल रहा है। तकलीफ़ें हमें बहुत आ रही हैं क्योंकि पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे मेंबर्स से कि आप जब अपने डिटेल्स भेजते हैं तो कृपया करके उसको चेक कर लीजिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो अपना आईएफएससी कोड्स गलत भेज रहे हैं, बैंक के नाम गलत भेज रहे हैं, अपने अकाउंट डिटेल्स गलत भेज रहे हैं, अपने खुद के नाम की स्पेलिंग्स गलत हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिस चीज़ को 24 घंटे लगने हैं उसको 4 दिन लग रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट वापस आ रही है, फिर हमको चेक करना पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी अपने घर पर बैठ के काम कर रहा है। फिर भी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट हम सब सीख रहे हैं क्योंकि हम कोई भी तैयार नहीं था इस आपदा के लिए, ना ना कि आप ना हम, या कोई भी तैयार नहीं था इस प्रॉब्लम्स के साथ कुछ को जूझने का या झेलने का। लेकिन काम स्मूथली चल रहा है और ये प्रॉब्लम जो है हमें अगले महीने नहीं आएगी क्योंकि अब तक सेट तब तक सब सेट हो चुका होगा। राशन कूपन्स भी काफ़ी जा चुके हैं और अगर आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो प्लीज़ उसके लिए भी अप्लाई करिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा कि बहुत सारे मेंबर्स के पेमेंट्स जो हैं वो हुए नहीं हैं। सारे प्रोडक्शन हाउसेज और प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम उनके पेमेंट्स नहीं दे पाए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो हमारे मेंबर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स हैं, जिनके जिनके पेमेंट्स नहीं हुए हैं, जो डिले है, वो प्लीज़ वो डिटेल्स जो हैं वो एफिडा में मेल करिए। जो डिटेल्स चाहिए वो आपको मेल आ चुका है। पॉइंट वाइज प्लीज़ अपने उस डिटेल्स को आप मेल कर दीजिए और हम उन प्रोडक्शन हाउसेस से, उन प्रोड्यूसर्स से कांटेक्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो पेमेंट्स जल्द से जल्द हो जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे इफ्टा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, खास करके सुधाकर शर्मा जी जो हमारे ट्रेजरर हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं राशन को बांटने में और कोऑर्डिनेशन में। बलविंदर जी हैं जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी हैं, फिर बली ग्रोवर है जो हमारे ईसी मेंबर हैं, प्रिया है जो कि काफ़ी काम कर रही है, और हमारी ऑफिस की जो सेक्रेटरी हैं प्रवीणा, इन्होंने दिन रात जो है वो काम करके अपने घरों से ये चीज़ पॉसिबल की है। जहाँ तक फेडरेशन का सवाल है, हम शुक्रगुजार हैं पूरे फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उनके प्रेसिडेंट तिवारी जी और उनके जो सेंट्रल सेक्रेटरी अशोक दुबे जी, उनके जो ट्रेजरर हैं संजू श्रीवास्तव और सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जिन लोगों ने दिन रात काम किया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं चिपी अग्रवाल जो प्रेसिडेंट है इम्पा के, इम्पा का जो डोनेशन फेडरेशन को आया है, प्रोड्यूसर्स गिल्ड का जो डोनेशन आया है, IFPTC, सब मिल के जो जिस जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ और जिस दिल से सब जो सब सामने आए और खड़े हुए हैं हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे टेक्नीशियंस के लिए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फेडरेशन की तरफ से और इफ्टा की तरफ से। सब सब जितने भी ये लोग हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे टाइम पे जब हम सब लोग एक साथ खड़े हों। रही बात आगे की, कोशिश जारी है, बहुत जल्दी हम यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और अपने प्लान्स किस तरीके से होगा, क्या होगा, जब भी शूटिंग शुरू होगी, जब भी हालात ठीक होंगे, बस इसी उम्मीद से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि आप लोग सब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। काले बादल हर वक्त नहीं रहते हैं, छट जाते हैं और छटेंगे, हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है। और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, फिल्म, टीवी, डिजिटल मीडिया जो पूरी इंडस्ट्री है, हमारी ताकत जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोग
बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमने झेला है और हम आगे बढ़े हैं, ये आशा करता हूँ मैं और ये कामना करता हूँ। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और स्टे सेफ, पूरे प्रिकॉशंस लेके जिए। इफ्टडा आपके साथ है, फेडरेशन आपके साथ है, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ही आगे चलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।